यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 6 है। इसके पहले भी 5 वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। इसके पहले हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दिया गया है, कलेक्ट द फॉलोइंग, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब आपको कलेक्ट करना है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, आपको अलग अलग डिफरेंट प्रकार के कंटेनर्स लेने हैं। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स। अलग अलग प्रकार के कंटेनर आपको लेने हैं, कुछ लंबे लेने हैं, कुछ इस प्रकार के फैले हुए लेने हैं, लेकिन आपको 50 ml मार्क यहां लगा देना है। जैसे आप देखें कि यदि ये लंबा कंटेनर है तो 50 ml कुछ यहां तक आएगा, लेकिन यह इस प्रकार से फ्लैट है तो 50 ml कुछ यहां तक आएगा। और ये 50 ml क्या दिखा रहा है, इसका वॉल्यूम दिखा रहा है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स पुट 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। तो आपको एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है और 50 ml इन सारे पदार्थों का लेना है। व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ट ऑन द फ्लोर। तो आप देखेंगे कि यदि यह लिक्विड फ्लोर पर गिर जाता है, छलक कर गिर जाता है, तो यह पसर जाएगा, पूरा फैल जाएगा। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। तो आपको करना यह है कि एक कंटेनर से इस मटेरियल को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालना है और आपको देखना है कि क्या इसका वॉल्यूम वही रहता है। तो आप देखेंगे कि ये जो 50 ml का आपने मार्क लगाया है, इसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा। यहां यह 50 ml है तो यहां भी 50 ml ही रहेगा और यहां भी 50 ml ही रहेगा। इसका मतलब इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम। लेकिन आप देखेंगे कि जिस प्रकार के कंटेनर में आप इसे डालेंगे, इसका शेप वैसा ही हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई कंटेनर इस प्रकार से गोल है, तो इस लिक्विड का शेप कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। वेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इन टू अनदर, डज इट फ्लो इजिली। तो जब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड को पोर करेंगे, डालेंगे, तो क्या यह आसानी से फ्लो होता है? हां, यह आसानी से फ्लो होगा। आप देख सकते हैं अपने एक्टिविटी में। तो आपने देखा, इस एक्टिविटी में हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को किया। उन सारे प्रश्नों को एक बार फिर से यहां पर आंसर आप देख सकते हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो यहां से आप देख सकते हैं लिक्विड का प्रॉपर्टी भी दिखाया गया है। जबकि एग्जाम में प्रश्न आएगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, तो आप इसका आंसर यहां से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स। ये पहला। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। इन लिक्विड को जिस भी कंटेनर में आप रखेंगे, उसी का यह शेप ले लेता है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड फ्लो करता है और शेप को चेंज करता है। सो दे आर नॉट रिजिड, इस कारण से लिक्विड रिजिड नहीं होता है। तो यह दूसरा पॉइंट था। आप यहां एक पॉइंट और देख सकते हैं, लिक्विड फ्लो करता है, इसलिए हम लोग इसे फ्लूइड भी कहते हैं। लिक्विड और गैस फ्लो करता है, जिस कारण लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 and 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। तो कुछ प्रयोग हम लोगों ने पहले भी किए हैं, जैसे मान लीजिए नमक का पानी में घोलना या फिर इंक का पानी में घोलना। तो आप देख सकते हैं लिक्विड का लिक्विड में घोलना, सॉलिड का लिक्विड में घोलना, यह संभव है। वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। तो सॉलिड और लिक्विड लिक्विड में घुलनशील हो सकते हैं, सभी नहीं घुलनशील होंगे, लेकिन घुलनशील हो सकते हैं। जैसे आप पानी में यदि ऑयल को मिलाएंगे तो वह घुलनशील नहीं है,
लेकिन बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं, बहुत सारे ऐसे सॉलिड हैं जो कि लिक्विड में घुलनशील हैं, वो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे। इसी के साथ द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर, तो गैसेस भी वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेशली यहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बात किया जा रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को किस लिक्विड में आपने घुले अवस्था में देखा है? हां, कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड कोका कोला में, कोका कोला क्या हो गया? लिक्विड हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? गैसियस स्टेज में हो गया, गैसियस अवस्था में हो गया। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड कोका कोला या फिर बोले तो कोल्ड ड्रिंक में घुला हुआ होता है, आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। लेकिन यहां पर कुछ और बात लिखा हुआ है, और यह बात लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेटिक एनिमल और प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये किस रूप में पाए जाते हैं? तो ये वाटर में डिसॉल्व रूप में पाए जाते हैं। वाटर में ऑक्सीजन घुला हुआ अवस्था में रहेगा, CO2 घुला हुआ अवस्था में रहेगा, जिससे कि एक्वेटिक यानी कि जलीय जो एनिमल हैं और प्लांट्स हैं वे जीवित रह सके, क्योंकि जलीय जो जंतु हैं या प्लांट्स हैं उनको भी ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। यहां से एक प्रश्न आता है कि एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से ग्रहण करते हैं? तो आंसर है कि ये वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीद फॉर सर्वाइवल, ये तो आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं वह अपने सर्वाइवल के लिए सांस लेते हैं, या फिर कहें कि उनके जीवित रहने के लिए उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीद अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो यही प्रश्न मैंने आपको बताया था अभी कि एक्वेटिक एनिमल ऑक्सीजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये वाटर में डिसॉल्व जो ऑक्सीजन होता है उससे ही ये ग्रहण करते हैं। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। तो यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या फिर गैसेस हैं वे लिक्विड में घुलनशील होते हैं। सभी तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉलिड हैं, ऐसे लिक्विड हैं, ऐसे गैसेस हैं जिनको लिक्विड में घुलाया जा सकता है। जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया अभी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो ये जो लिक्विड है उसका लिक्विड में घुलना, उसका रेट हायर है सॉलिड के तुलना में। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। तो यहां से आपका एक प्रश्न आ सकता है, वाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। तो इसका आंसर यहां से आप लिख सकते हैं, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं, एंड हैव ग्रेटर स्पेस, और उनमें ज्यादा स्पेस होता है बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे पार्टिकल के बीच में ज्यादा स्पेस होता है एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की तुलना में। इस कारण से लिक्विड को लिक्विड में आसानी से डिसॉल्व किया जा सकता है, जबकि सॉलिड को लिक्विड में आसानी से डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो आगे मैं मिलता हूं आपसे गैसेस स्टेट में। धन्यवाद।